हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और बच्चों, आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वोलेटाइल ऑयल्स। ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो कई जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम इसको बात करेंगे, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में भी मैंशन है, ये बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में भी मैंशन है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में, ये बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में भी मेंशन है, सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये टॉपिक कई तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सेमेस्टर में या फिर ईयर वाइज कोर्स के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन होगा। और जब हम इसके कंटेंट को जब हम पढ़ेंगे तो कई प्रकार के क्वेश्चंस इसके जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर का एग्ज़ाम हो, या फिर हमारा जी पैट का एग्ज़ाम है, उसमें भी इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट केमिकल कैटेगरी है। तो इस वोलेटाइल ऑयल के अंदर बच्चे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चार कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा। एक तो डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वोलेटाइल ऑयल, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशंस को, वोलेटाइल ऑयल होते क्या हैं। जैसे कि नाम ही अपने आप बता रहा है वोलेटाइल, तो वोलेटाइल ऑयल का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस विच कैन ईजिली इवेपोरेटेड एट द नॉर्मल और रूम टेम्परेचर, दे हैव बीन टर्म्ड एज ए वोलेटाइल ऑयल सब्सटेंसेस। और यहाँ पे हम ऑयल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होंगे हमारे वोलेटाइल ऑयल्स। तो ये वो वोलेटाइल ऑयल होंगे जो कि ईजिली रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल ऑयल के नाम से जानते हैं। जब हम वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में बात करते हैं, मेनली ये दो प्रकार के जो कंटेंट है वो कैरी करेगा। एक तो दे कंटेन द टर्पीन्स, अनदर वन दे कंटेन द टर्पिनॉइड्स। टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड जो होते हैं वोलेटाइल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, जब हम टर्पीन्स के बारे में बात करते हैं तो टर्पीन्स कंटेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। एक जनरल फार्मूला होता है C5H8, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे आइसोप्रीन यूनिट का, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। और जब हम टर्पिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स बट ऑल्सो कंटेन देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे दो प्रकार के कंटेंट आ गए हैं, टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स, और दोनों ही हमारे वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं केमिकली अगर वोलेटाइल ऑयल को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। वोलेटाइल ऑयल्स का जो डेरिवेशन होता है, जो डेराइव्ड होते हैं, वो टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव से होते हैं, नंबर वन बात। और नंबर टू पॉइंट ये है कि दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट C5H8। अब ये आइसोप्रीन यूनिट क्या है, आइसोप्रीन यूनिट है अगर हम कोई वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के एक्टिव कॉन्सटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो जो वोलेटाइल ऑयल ड्रग के एक्टिव कॉन्सटेंट होंगे उनके अंदर एक बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। तो अगर कोई अननोन ड्रग के एक्टिव कॉन्सटेंट आपको दे दी जाए, अगर उस अननोन ड्रग के एक्टिव कॉन्सटेंट में आइसोप्रीन यूनिट आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग से बिलोंग करने वाला एक्टिव कॉन्सटेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है। जब हम वोलेटाइल ऑयल को डिस्कस करते हैं तो उसके साथ ही कई अदर टर्मिनोलॉजी भी हैं जो कि वोलेटाइल ऑयल को डिफाइन करने के काम में आती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले तो आ रही है हमारी ईथरल ऑयल। ईथरल ऑयल का मतलब यही है कि दो सब्सटेंसेस विच कैन ईजिली इवेपोरेटेड एट द रूम टेम्परेचर, उनको हम ईथरल ऑयल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने एक सॉल्वेंट के बारे में सुना है जिसका नाम है पेट्रोलियम ईथर, आप सब ने उसके बारे में सुना होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। पेट्रोलियम ईथर की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर उसको थोड़ी देर किसी बीकर के अंदर अगर खुला रख के छोड़ दिया जाए, तो सपोज़ कीजिए अगर 10 ml उसका वॉल्यूम लिया था तो हो सकता है कि उसके अंदर 3 या 4 ml उसके अंदर कम हो जाएगा, जबकि हमने उसको यूज़ नहीं किया है, तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो रहा है। तो इसीलिए इसको ईथरल ऑयल के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टी भी यही होती है जो कि ईजिली रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं। नंबर टू जो आ रहा है, इनको हम एरोमेटिक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो एरोमेटिक ऑयल का जो नाम आया है, इसके आने का कारण ये है कि बहुत ही बढ़िया अरोमा, एक खुशबू जो होती है वो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होती है, और उसका मेन कारण जो है वोलेटाइल ऑयल उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से उसमें इतनी बढ़िया अरोमा आती है।
इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है एसेंशियल ऑयल, और जो एसेंशियल ऑयल जो है वो एसेंस से लिया गया है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द टर्मिनोलॉजी जो कि हम वॉलेटाइल ऑयल को डिफाइन करने के काम में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस, वॉलेटाइल ऑयल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। वॉलेटाइल ऑयल जो है मेनली दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। प्लांट की बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, मगर जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे सीवेट एक एनिमल है जिसमें कि जो एरोमेटिक ऑर्डर कंटेनिंग सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे केवल हम प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्लांट में वो कौन कौन से स्थान हैं, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर वॉलेटाइल ऑयल सिक्रीट होता है। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सेलुलर कंपोनेंट है जिसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें, सम स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हमारा वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। डक्ट हो गया, सेल हो गया, साइजोजीनस ग्लैंड्स हो गई एंड लाइसोजीनस ग्लैंड्स हो गई और ट्राइकोम्स हो गए। बच्चों एक बात बता दूँ, साइजोजीनस ग्लैंड पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द प्रजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल प्रजेंट इन विच सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन ये आया था और चार ऑप्शन उसके अंदर दिए गए थे और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो था हमारा वो था साइजोजीनस ग्लैंड, तो वो सही था। इसका मतलब इस पर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनमें कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर के द्वारा वॉलेटाइल ऑयल सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है हमारा वो है हमारा साइजोजीनस ग्लैंड, और साइजोजीनस ग्लैंड में जब बात करते हैं, साइजोजीनस ग्लैंड के अंदर जो एग्जांपल आते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें साइजोजीनस ग्लैंड्स के अंदर ही हमारा वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनके अंदर साइजोजीनस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। विट्टे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं ड्रग का तो एक विट्टे का स्ट्रक्चर है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल आ गए हमारे फेनल जिसको हम सौंफ बोलते हैं, कोरिएंडर जिसको हम धनिया बोलते हैं, और डिल जिसको हम सोवा के नाम से जानते हैं। इनकी अगर हम इनके फ्रूट की अगर ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसफ़र सेक्शन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विट्टे के नाम से जानते हैं, और विट्टे के अंदर ही वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो ग्लैंडुलर हेयर्स हैं। ग्लैंडुलर हेयर्स का मतलब क्या हुआ, दीज आर द वेरी माइन्यूट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस पोर्शन ऑफ द लीव्स, और ये जो लीव्स पे भी हो सकते हैं, स्टेम पे भी हो सकते हैं। और ग्लैंडुलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल जो आ रहा है यहाँ पे, मिंट का स्टेम पोर्शन में पाया जाएगा और लीव्स के अंदर भी वॉलेटाइल ऑयल ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे लीव्स के जो एग्जांपल जो आ रहे हैं उन्होंने फैमिली का एग्जांपल दिया है कि लेबिएटी फैमिली प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। मीजोफिल पोर्शन, अब ये मीजोफिल क्या होता है, अगर हम किसी लीव की अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसमें दो पोर्शन होंगे, अपर एपिडर्मिस होगा और लोअर एपिडर्मिस होगा। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्थान को, द स्पेस बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस, दैट इज नोन बाय द नेम मीजोफिल। उसके अंदर बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है तो वो हमारा मीजोफिल वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल यहाँ पे जो लीव का दिया गया है वो है हमारा यूकेलिप्टस, जिसको नीलगिरी की पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। बार के अंदर भी वॉलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे, सिनेमन बार इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसके अंदर बिग एंड आइसोलेटेड हमारी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स पाई जाती है। हर्टवुड जो पोर्शन है वो सैंडलवुड के अंदर पाया जाता है, जिसको चंदन के नाम से जाना जाता है। और पेटल्स की अगर बात करते हैं तो जो हमारी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसके अंदर पेटल्स पाए जाए, पेटल्स में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है जिसको हम रोज़ ऑयल के नाम से भी जानते हैं। और फ्लावर बर्ड जो क्लोव होता है जिसको हम लौंग कहते हैं, वो हमें फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होता है, और इस फ्लावर बर्ड्स के अंदर ही वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहते हैं मेनली हाइपेंथियम पोर्शन के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल आ गए बच्चों हमारे, जिनमें ये पता लग रहा है कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो किस तरीके वो उनके नाम क्या हैं, और उसके साथ साथ उसके सामने ड्रग के एग्जांपल दिए हैं जिन ड्रग के अंदर वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है हम जो डिस्कस करेंगे ये आ रही है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स, वॉलेटाइल ऑयल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारे चार करेक्टरिस्टिक फीचर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन जो आ रहा है सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वोलेटाइल ऑयल की जो सॉल्युबिलिटी जो पाई जाती है वो अल्कोहल में पाई जाएगी, ईथर में पाई जाएगी, लिपिड सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। मगर जब हम वोलेटाइल ऑयल को इनसॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं पाई जाती। वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो लाइटर देन वाटर होते हैं। नंबर टू जो आ रहा है, दे द वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग हैविंग द करैक्टरिस्टिक ऑर्डर। करैक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? करैक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब है अगर दो ड्रग आपको दे दी जाए, आंखों पे आपके पट्टी बांध दी जाए और ये बोला जाए कि इन दोनों ड्रग को सूंघ के बताइए कि कौन कौन सी ड्रग है। सपोज़ कीजिए एक हाथ में आपके फेनल है और दूसरी ड्रग के अंदर क्लोव है, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से अगर आप पहले फेनल को सूंघेंगे तो आप बता देंगे ये फेनल है, और जब आप क्लोव को सूंघेंगे तो आप कह देंगे ये क्लोव है। तो ये पहचानना ही जो है ये करैक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, और ऑर्डर के बेसिस पर अगर किसी ड्रग को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? करैक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो वोलेटाइल ऑयल ड्रग करैक्टरिस्टिक ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। और अब बात करते हैं नंबर थ्री के बारे में, वोलेटाइल ऑयल ड्रग्स हैविंग द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेसेस। इसके अंदर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेसेस पाया जाता है। और लास्ट वाला जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो है हमारी रिलेटेड विद द ऑप्टिकली एक्टिव। मोस्ट ऑफ द जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पाए जाते हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स का। जब क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल का किया जाता है तो तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल को कंप्लीट किया जा सकता है। नंबर वन तो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। नंबर टू जो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। और नंबर थ्री जो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड नंबर ऑफ रिंग इन टर्पिनॉइड्स। ये तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है, और आपको मैं बता दूं कि ये क्लासिफिकेशन बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। उसका कारण है कई प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जी पैट का जो एग्ज़ाम है उसमें इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नंबर वन जो आ रहा है अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल नाम ही अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्टिव कॉन्स्टेंट जिनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और वो वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको हम अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, कोरिएंडर जिसको हम धनिया बोलते हैं उसमें कोरिएंड्रोल पाया जाता है, सैंडलवुड जिसको हम चंदल बोलते हैं सैंटानॉल पाया जाता है, कार्डमम जिसको हम इलायची बोलते हैं जिसके अंदर सीनियोल एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है। तो ये मेनली एक्टिव कांस्टेंट जो कि इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। रोज़ ऑयल के अंदर भी हमारे अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। नंबर टू जो आ रहा है वो हमारा एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सिनेमन बार्क आ रही है, सिनेमिक एल्डिहाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। लेमन पील मैंने यहाँ पे दोनों बार लेमन लिख दिया है, एक तो लेमन पील है और यहाँ पे आप लेमन की जगह सिनेमन तो एल्डिहाइड के अंदर आ गया है, लेमन पील के अंदर भी एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल पाया जाएगा और लेमन ग्रास इसके अंदर भी हमारे एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। लेमन के अंदर हमारा सिट्रोल प्रेजेंट रहता है, लेमन ग्रास के अंदर भी सिट्रोल प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। नंबर थ्री जो आ रहा है वो है हमारा एस्टर वोलेटाइल ऑयल। एस्टर वोलेटाइल ऑयल के अंदर लेवेंडर एंड द गॉल्थेरिया ड्रग है वो इसके अंदर आती हैं। नंबर फोर जो आ रही है वो हमारा कीटोन वोलेटाइल ऑयल आ रहा है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा कैरावे के अंदर, कैम्फर के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं एक्टिव कांस्टेंट की फॉर्म में, एक्टिव कांस्टेंट कंटेन करेंगे कीटोन ग्रुप। ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल के अंदर चिनोपोडियम यूकेलिप्टस, चिनोपोडियम एंथेलमेंटिकम इसका बोटानिकल नेम है, एंथेलमेंटिक ड्रग है, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस नीलगिरी। फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर फेनल आ जाएगा, नटमैक आ जाएगा, नटमैक को हम जायफल के नाम से जानते हैं, और फिनॉल वोलेटाइल ऑयल के अंदर हमारा क्लोव आएगा जिसके अंदर यूजिनॉल प्रेजेंट रहता है मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट में। तो बच्चों ये हमारे ये जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द एक्टिव कॉन्स्टेंट विच कम्स अंडर द वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आ रहा है जिसके ऊपर क्वेश्चन जी पैट में भी पूछा जा चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट क्या है ये हम जानते ही हैं, C5H8 की पावर n, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और कितने नंबर आइसोप्रीन के पाए जाएंगे उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो आ रहा है वो है हमारा हेमीटर्पीन या फिर इसको आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट पाई जाती है वो होती है 1।
तो C5H8 की पावर N, तो N की जगह एक लगा देंगे, तो अगर एक लगाएंगे तो उसका फार्मूला केवल C5H8 ही पाया जाएगा। नंबर टू आ रहा है मोनोटर्पीन्स, या फिर इसको हम टर्पीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो आइसोप्रिन यूनिट जो पाई जाती है नंबर की फॉर्म में, वो टू नंबर पाई जाती है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, दैट इज़ द मोनोटर्पीन, और मोनो का मतलब होता है एक। तो यहाँ पे हमें ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर मोनोटर्पीन है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट होनी चाहिए, वन। मगर ये आपको याद रखना है कि जो वन नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट है वो हेमीटर्पीन और आइसोप्रिन यूनिट बनेगी। जब मोनोटर्पीन आएगा तो वहाँ पे उसके आपको याद रखना है कि ये नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट इसके अंदर टू पाई जाती है। नंबर थ्री, ये जीपैड पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेस्क्यूटर्पीन के ऊपर, द हाउ मच नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट प्रेजेंट इन सेस्क्यूटर्पीन, द आंसर इज थ्री। थ्री आइसोप्रिन यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, मतलब थ्री का मतलब क्या हुआ, C5H8 की पावर N की जगह आ जाएगा थ्री, ठीक है। तो इस प्रकार का फार्मूला हो गया। नंबर फोर जो हो गया वो डाइटर्पीन में पाई जा रही है चार, ये फिर से कन्फ्यूजिंग होगा। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, मगर यहाँ पे टू को जस्ट आपको डबल करना है, जैसे आपने मोनो को जस्ट डबल किया था वैसे ही आपको डाई को भी डबल करना है। तो डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे आपको कितने लिखनी है, ये आपको याद करना है कि ये चार आइसोप्रिन यूनिट कंटेन करेगा। उसी तरीके से आ जाएगा ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, मगर इसको भी यहाँ पे आपको डबल करना है। ट्राई टर्पीन में आपको कितनी आइसोप्रिन यूनिट शो करनी है, सिक्स यूनिट ऑफ आइसोप्रिन होनी चाहिए। टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, तो टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे चार आइसोप्रिन यूनिट, मगर नहीं, इसको जस्ट डबल करना है। तो टेट्रा टर्पीन जो होगा वो कितने यूनिट कंटेन करेगा, एट, तो एट आइसोप्रिन यूनिट प्रेजेंट रहेगी। ये जो बच्चों टेट्रा टर्पीन्स है इसको हम कैरोटीनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, ये नाम आप याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, द कैरोटीनॉइड्स कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट इन द वोलेटाइल ऑयल्स। तो आपको याद होना चाहिए कैरोटीनॉइड जो है वो किसका सिनोनिम्स है, टेट्रा टर्पीन्स का, और टेट्रा टर्पीन है तो कितनी यूनिट आइसोप्रिन की होनी चाहिए, शुड कंटेन द 8 यूनिट ऑफ आइसोप्रिन यूनिट। और उसी के साथ आ रहा है हमारा पॉलीटर्पीन्स, तो पॉलीटर्पीन्स में तो बहुत सारी हो सकती है, उसके एग्जांपल में यहाँ पे आप रबर लिख दीजिएगा। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रिन यूनिट। अब बात करते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ द रिंग रिपोर्टेड इन द टर्पीनॉइड्स एक्सेप्ट हेमीटर्पीन्स। अब यहाँ पे एक्सेप्ट हेमीटर्पीन आ गया, इसका मतलब क्या है, जनरली ये पाया गया है कि हेमीटर्पीन की या फिर आइसोप्रिन की सिंगल आइसोलेटेड कंपाउंड की एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट हेमीटर्पीन लिखा है। अब बात करते हैं हम इसमें सबसे पहला आ रहा है ए साइक्लिक टर्पीनॉइड। ए साइक्लिक का मतलब है देयर इज एब्सेंस ऑफ द साइकिल और द रिंग, उसमें कोई रिंग नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे किस फॉर्म में होगा, स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ए ओपन चेन स्ट्रक्चर। मोनोसाइक्लिक टर्पीनॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो मोनो का मतलब हो गया एक और साइकिल का मतलब हो गया रिंग, तो वो टर्पीनॉइड जो केवल एक रिंग कंटेन करते हैं उनको हम मोनोसाइक्लिक बोलेंगे। उसी तरीके से बाईसाइक्लिक टू रिंग स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होगा उसको हम बाईसाइक्लिक टर्पीनॉइड बोलेंगे, और ट्राईसाइक्लिक का मतलब है तीन रिंग स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम ट्राईसाइक्लिक टर्पीनॉइड के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये तो कंप्लीशन हो गया क्लासिफिकेशन का, अब हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज़ द केमिकल टेस्ट। जब हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वोलेटाइल ऑयल की केमिकल टेस्ट को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, पहला जो आएगा वो है हमारा जनरल केमिकल टेस्ट, और नंबर टू जो आ रहा है वो है हमारा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब हम जनरल केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये वो केमिकल टेस्ट है जो किसी पर्टिकुलर केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के काम में ला रहे हैं, जैसे कि हम क्या वोलेटाइल ऑयल पढ़ रहे हैं, वोलेटाइल ऑयल क्या है, दिस इज़ द केमिकल कैटेगरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल टेस्ट काम में ला रहे हैं वो हमारे जनरल केमिकल टेस्ट में आएंगे। और जब स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं हर ड्रग के अंदर स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट प्रेजेंट हो जो कि वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, मगर कुछ ड्रग ऐसी होती हैं वोलेटाइल ऑयल ड्रग कैटेगरी के अंदर आने वाली ड्रग जो अपने कुछ एक्टिव कॉन्स्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट को पॉजिटिव बताती हैं या फिर पॉजिटिव शो करती हैं। अब इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ रहा है हमारा जनरल केमिकल टेस्ट, दो नाम हमेशा याद रखना, एक तो सुडान रेड थर्ड और एक हो गया अल्काना टिंचर। सुडान रेड थर्ड और अल्काना टिंचर ये दो केमिकल रिएजेंट हैं जो वोलेटाइल ऑयल की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के काम में लाए जाते हैं। इसमें सिंपल सा प्रोसीजर पार्ट है, ऑयल ले लेंगे, ऑयल को हम ट्रीट करेंगे सुडान रेड थर्ड रिएजेंट के साथ और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। सेम कंडीशन विद द अल्काना टिंचर,
अल्काना जो है एक रूट से ऑप्टेन होता है, टिंचर जो है अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। तो अल्काना टिंचर के भी एक रिएजेंट है, जब इसको भी ऑयल के साथ ट्रीट करते हैं तो अगर रेड कलर आता है तो वो जो ऑयल होगा वो वोलेटाइल ऑयल ही पाया जाएगा। अल्काना टिंचर सुडान रेड थर्ड, आप अपनी जो फार्माकोग्नोसी की जो प्रैक्टिकल लैब है उसके अंदर स्टेनिंग रिएजेंट की फॉर्म में भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये माइक्रोकेमिकल टेस्ट एज वेल एज द केमिकल टेस्ट दोनों कैटेगरी के अंदर यूज होने वाले हमारे रिएजेंट्स हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट में, एक ड्रग आ रही है हमारी क्लोव। क्लोव के अंदर एक टेस्ट का नाम हमेशा याद रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। इसमें करते क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में हम अपना ऑयल ले लेंगे या फिर पाउडर ड्रग ले लेंगे या फिर सेक्शन ले लेंगे क्लोव का जिसमें हाइपेंथियम पोर्शन का, उसको ट्रीट किया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके अंदर हमें निडल शेप क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं जो कि पोटेशियम यूजिनेट के होते हैं। तो यूजिनॉल के केमिकल टेस्ट के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट करेंगे क्लोव के लिए। दूसरा जो ड्रग है सिनेमन बार्क, सिनेमन बार्क के अंदर आपको टेस्ट का नाम याद रखना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो कि हमारे सिनेमिक एसिड और हमारे यूजिनॉल की प्रेजेंस के को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक टेस्ट आ रहा है हमारा वैनिलिन टेस्ट, जो कि गोल्थेरिया ऑयल के आइडेंटिफिकेशन के काम में लाया जाता है। तो ये तीन प्रकार के ड्रग यहाँ पे आ गए हैं जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे कि नाम हमने इंडिकेट किया था, वोलेटाइल ऑयल को कैसे डिफाइन किया था, दो सब्सटेंस विच कैन इजीली वेपरेटेड एट द रूम टेम्परेचर। तो इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है कि वोलेटाइल ऑयल है या फिर फिक्स्ड ऑयल है। सपोज कीजिए मैंने आपको वोलेटाइल ऑयल दे दिया, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि वोलेटाइल ऑयल है या फिर फिक्स्ड ऑयल है? तो उसका सिंपल सा टेस्ट करेंगे जिसको बोला जाता है फिल्टर पेपर स्पोर्ट टेस्ट। किस नाम से जाना जाता है? फिल्टर पेपर स्पोर्ट टेस्ट। इसमें करते कुछ नहीं है, एक फिल्टर पेपर ले लेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डाल देंगे वोलेटाइल ऑयल की, उसको थोड़ी देर रख देंगे। रखने के बाद जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर वोलेटाइल ऑयल की कोई भी स्पॉट नहीं पाया जाता। अगर कोई भी स्पॉट नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वोलेटाइल ऑयल है। सपोज़ कीजिए मैंने आपको फिक्स्ड ऑयल दे दिया और कहा कि इसकी एक ड्रॉप आप फिल्टर पेपर के ऊपर डालिए। जब आप उसकी एक ड्रॉप फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं तो आप चाहे उसे कई घंटों बाद भी देखोगे, एक मिनट बाद देखोगे, आधे घंटे बाद देखोगे, कई घंटों बाद भी अगर देखते हो तो उसमें आपको परमानेंट स्पॉट आपको उस फिल्टर पेपर के ऊपर दिखाई देगा। तो ये क्या क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये वोलेटाइल ऑयल नहीं है, ये हमारा फिक्स्ड ऑयल है। वोलेटाइल ऑयल के द्वारा फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी स्पॉट की फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इट इज़ इजीली वेपरेटेड एट द रूम टेम्परेचर, इसलिए फिल्टर पेपर पे कोई स्पॉट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो बच्चों ये आज का जो टॉपिक था हमारा वोलेटाइल ऑयल का, ये कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो मैं इस लेक्चर को अपने यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप मेरे से कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।